Hit the bell icon and subscribe to my channel #TheStoryteller for more interesting stories. Welcome back to the channel #TheStoryteller. Sirisha here, and today the story is about things that hostlers relate to. हम सब अपने लाइफ में मैक्सिमम 90% ऑफ पीपल हॉस्टल्स तो जाके ही रहते हैं. हॉस्टल हमारा दूसरा घर बन जाते हैं. हॉस्टल के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ जाती हैं. तो आज हम देखेंगे कि थिंग्स दैट हॉस्टल्स कैन रिलेट टू इन दिस वीडियो. नंबर 1, डेडलाइंस. किसी के लिए हॉस्टल 10 बजे खुलता है तो किसी के लिए हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है. नहीं यार, I can't come. मेरा हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है यार. They need to know the right hacks to get in and get out of the hostel. You know, the sneak peek kind of thing. Number 2, you officially marry Maggie. Maggie इनका जीवन साथी बन जाता है. Crushes, teachers, exam semester, ये सब आते जाते रहते हैं. लेकिन Maggie, ये प्यार है. This is forever. Breakfast, lunch, dinner, कोई भी हो, ये मेरे साथ रहता है. Number 3, time management. घड़ी के साथ ये भी घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और टाइम को रोकने की शक्ति और क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है. Number 4, they become the baap of jugaad. They can jugaad anything. मतलब वो किसी चीज की भी जुगाड़ लगा सकते हैं. Excuse me, ma'am. Why are you late to the class? Ma'am, my scooter's third tire got puncture, ma'am. What? Your scooter's third tire? Yeah, ma'am. वो शोले में अमिताभ बच्चन वाली गाड़ी है मेरी. तीसरी टायर पंचर हो गई. Number 5, इनके पास रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकान, सब चीज होता है, लेकिन माँ नहीं होती. बुखार है यार मुझे. ओके, बाय बाय. नंबर 6, दे बिकम प्रो इन हॉलीडेइंग एट होम. इनका हॉलीडे घर से शुरू होता है. यार कहाँ जा रही है वेकेशन में? बाली जा रही है. अरे वाह, सही है यार तेरा. मैं तो घर जा रही हूँ यार. हाँ हाँ, मैं तो पैकिंग भी कर ली. चल मैं घर जाके कॉल करती हूँ. बाय, हैप्पी वेकेशन. मेरे लिए तो वेकेशन घर से शुरू होता है. नंबर 7, गुड फूड इज रियल रियल खजाना फॉर देम. सिर्फ लिखा होता है लेकिन खाने में कुछ नहीं मिलता. जो देखा था ना वहां पे, वो सब कुछ नहीं मिलता है. घास मिलता है, घास. जरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना ना. घंटी मत भूलना, घंटी बजा देना.